हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं एक विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और वह है सर्दियों का खास मसाला मिल्क। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं मसाला मिल्क बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मसाला दूध बनाने के लिए ये 1 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है, 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, 1/4 कप पिस्ता, 2 टेबल स्पून इलायची ले ली है, आधा जायफल नटमेग और करीब 12 दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए हैं, केसर और शुगर। मसाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को उबलने रखेंगे। अब आप कोई मोटे तले की कढ़ाई या कोई भी मोटे तले का बर्तन ले लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर उसे घुमा लीजिए और उसके बाद इसमें आप दूध ऐड कीजिए। ऐसा करने से जब दूध उबालेंगे तो तले में चिपकेगा नहीं। अभी दूध उबालने हमने रख दिया है, बीच बीच में हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। मसाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध के लिए मसाला बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये इलायची ले रहे हैं, इसे हम एक बार घुमा लेंगे। ये हमने एक बार घुमा लिया है, ऐसा करने से इसके छिलके ये खुल जाते हैं। अब हम इसके छिलकों को अलग निकाल लेंगे और इलायची के दाने हमारे अलग हो जाएंगे आसानी से। ये हमने सारे छिलके हटा लिए हैं, इसके छिलके निकालकर मैंने चाय की पत्ती के डब्बे में डाल दिए हैं। अब जब भी हम चाय बनाएंगे तो थोड़े थोड़े इलायची के छिलके उसमें जाएंगे तो बढ़िया इलायची फ्लेवर वाली हमारी चाय तैयार होगी। अब इसमें ये आधा जायफल है जिसे मैंने इसे तोड़ लिया था, यह डाल देंगे और ये 10-12 काली मिर्च के दाने हम डाल देंगे। काली मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन ये हमारे गले के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून शुगर डालकर इसे अच्छा बारीक ग्राइंड कर लेंगे। शुगर डालने से यह ग्राइंड अच्छा होता है। यह हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम ये बादाम डालकर ग्राइंड करेंगे। ये बादाम मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रिज में से डायरेक्ट निकालिए, तो हम इसे ऐसे ही ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपकी बाहर रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स तो आप उन्हें एक बार ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर ठंडा होने के बाद आप ग्राइंड कीजिए। इसमें से मैंने कुछ बादाम अलग रख लिए हैं, ये हमने ग्राइंड कर लिया है। जरूरी नहीं कि एकदम बारीक पाउडर हो, थोड़ा सा मोटा भी इसमें छोटे छोटे पीसेस आते हैं तो अच्छे लगते हैं हमें। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी जार में हमें काजू ये भी थोड़े से हम रख लेंगे साबुत, और ये पिस्ते ये भी थोड़े से हम बचा लेंगे और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने काजू और पिस्ता भी ग्राइंड कर लिया है। अब ये जो इलायची, जायफल, काली मिर्च और बादाम ग्राइंड किया था ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम केसर डालेंगे, ये हम 1.5 टीस्पून केसर डालेंगे इसमें, क्योंकि आज हम केसर या मसाला दूध बना रहे हैं। केसर से दूध का रंग भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा दूध का मसाला एकदम रेडी है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही बढ़िया बना है। आप इसे बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं। एक बार आप बना लीजिए, पूरी सर्दियों में आप मसाले दूध का आनंद उठाइए। अब ये जो हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा कर रखा था इसकी हम स्लाइसेस कर लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये दूध उबल रहा है, फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पर सेट किया है। अब इसे हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। आज हम मसाला दूध बना रहे हैं, ये एक विंटर स्पेशल रेसिपी है। हम विंटर्स में दो तरीके के दूध पीते हैं, एक कढ़ाई दूध जो बहुत कड़ावा होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स का कम यूज किया जाता है, इसमें ऐसे मलाई जमने दी जाती है और आखिरी में जब सर्व करते हैं तो हर ग्लास में एक मलाई का चक्का डालकर दिया जाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन आज हम मसाला दूध बना रहे हैं। मसाला दूध बनाने के लिए हम दूध को बहुत ज्यादा नहीं उबालेंगे, जितना दूध है उसका 3/4 रह जाए तब तक हम इसे उबालेंगे। ये दूध को उबलते हुए करीब 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये दूध का मसाला डालेंगे जो हमने अभी तैयार किया है। हम इसमें 4 टेबल स्पून मसाला डालेंगे 1 लीटर मिल्क में। अब इसे हम उबलने देंगे जब तक ये 3/4 हो जाए। मसाला डालने के बाद करीब 10 मिनट और हो गए हैं इस दूध को उबलते हुए। अब ये
अच्छा हो गया, जितना गाढ़ा हमें चाहिए उतना हो गया है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। यह दूध हमने थोड़ा गाढ़ा किया है, तो दूध में नेचुरल शुगर वैसे भी बहुत होती है, तो थोड़ा गाढ़ा होने की वजह से थोड़ी सी मिठास तो इसमें वैसे ही आ गई है। और ये दूध बहुत ज्यादा मीठा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा मीठा होता है तो पिया नहीं जाता है हमसे, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी कम शुगर डालेंगे। मैं इसमें करीब 2 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ, फिर भी अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब शुगर डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर और उबलने देंगे। 1-2 मिनट और हो गए हैं शुगर डालकर इसको उबलते हुए। अब ये दूध देखिए कितना यम्मी लग रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम प्रॉपर है, न बहुत गाढ़ा है न पतला है, और ये बहुत ही बढ़िया दूध तैयार हुआ है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारा मसाला मिल्क एकदम रेडी है, अब इसे हम सर्व करते हैं। आप इसे एकदम गर्मा गर्म भी पी सकते हैं, और अगर आपको ठंडा पसंद है तो इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर फ्रिज में रख दीजिए और फिर इसे सर्व कीजिए। दोनों ही तरीके के दूध बहुत अच्छे लगते हैं, अभी सर्दियों का टाइम है इसलिए हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये दूध हमने सर्व कर दिया है, वैसे तो इसको जरूरत नहीं है गार्निशिंग की, पर फिर भी अगर आप गार्निशिंग करना चाहते हैं तो जो थोड़ा स्लाइस्ड ड्राई फ्रूट हमने रखा था वह हम डाल देंगे। केशर। ये हमारा मसाला मिल्क एकदम रेडी है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, सेहत का खजाना है, आप इसे जरूर बनाइए। और अब टाइम है ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स का। सबसे पहले तो आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है जो पहले से उबाला हुआ नहीं हो। आप जब मसाला मिल्क बनाते हैं तो कच्चा दूध लेकर ही उसे बनाएं, ताकि उसमें फुल क्रीम रहे, उसमें से मलाई ना निकली हो। ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करते समय आप थोड़ा रोक रोक कर ग्राइंड कीजिए, नहीं तो उनका ऑयल निकल आएगा और पूरा हमारा मसाला खराब हो जाएगा। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका मसाला मिल्क बहुत ही अच्छा लगेगा, बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे बड़े शौक से पिएंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, उससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।